गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे वी आर ट्राइंग अज़रबैजानी फेमस स्नैक्स। तो सबसे पहले आती है ये चॉकलेट सुपर नाम की, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 0.35 है और सेल पे हमें मिली थी तो सेल पे इसकी प्राइस 0.29 है। दीदी मैं बोलूंगी। नहीं छोटी मुझे बताने दो। नहीं मैं बोलूंगी। अच्छा बाबा बता दो, तुम ही बता दो। ये सारे स्नैक्स आपको ना अंडरवन मनाज में मिलेंगे। ओके बैक टू द मेन पॉइंट, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अंदर मार्शमेलो थी, कैरेमल था और ऊपर चॉकलेट थी, और मैं तो इसे 10 out of 10 दूंगी। फिर इसके बाद एक कपकेक जो कि 0.30 का है और इस पे सेल नहीं लगी थी, वैसे काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है और ये टेस्ट में भी इतना लाजवाब था, बहुत मज़ा आ गया। पर यार मैं इसे रेट करूँगी 10 out of 8 क्योंकि इसमें चॉकलेट थोड़ी सी कम थी, अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता। और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तक सुपर मेरी सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट चॉकलेट है। देन इसके बाद हम ट्राई करें 2 स्नीकर, इसकी ओरिजिनल प्राइस 1.80 मनात है और वैसे हमें सेल पे मिली थी 0.90 की, और जब से मैं बाकू आई हूँ तब से मैंने सुपर ही खाई है, वो मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट हो गई है। इसके बाद हम खा रहे हैं साल्ट लेस, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2.30, वैसे हमें सेल पे मिली थी तो 0.80, और मैं इसे रेट करूंगी 10 में से 9.5 out of 10, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साल्ट ज़्यादा था और ये स्नैकर कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, अभी मेरे मुंह में पानी आ चुका है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट थी इसलिए मैं इसे रेट करूंगी 10 out of 7.5। देन फिर हम लोग ट्राई करें बिस्को रोल, जिसकी प्राइस है 0.40, और यार ये इतना टेस्टी था, बिल्कुल नान खताई वाला टेस्ट था, मज़ा आ गया। और ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन में ट्राई नहीं की, ये सारी चीज़ें मैंने अलहदा अलहदा दिन में ट्राई की हैं। फिर हम खा रहे हैं ये आइसक्रीम, जिसकी प्राइस है 0.80, बहुत टेस्टी है। अभी तक मैंने जितने भी स्नैक्स ट्राई किए मुझे तो बहुत पसंद आया, अज़रबैजान के सारे स्नैक्स इतने मज़े के हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी यार व्हाटएवर, बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिसपॉइंट हुई थी क्योंकि थोड़ी सी फ्रॉसिंग अगर ऊपर होती तो ज़्यादा अच्छी लगती है ना, पर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। और यार अगर आप लोग अज़रबैजान आ रहे हो और ये सब स्नैक्स ना ट्राई करो तो आप अज़रबैजान करने क्या आ रहे हो, मतलब इतने टेस्टी स्नैक्स हैं। चलो इतनी देर तक आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन मेरी तरह सर्दियों में आइसक्रीम खाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और हम इधर आइसक्रीम के इतने ज़्यादा मज़े ले रहे थे। ओके, तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।